जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के इंग्लिश के वायरल पेपर के बारे में। जो आप लोग क्लास टेंथ में है तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए इनमें से क्या होगा, जो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होगा वो कैसा आएगा। इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कम आधे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वायरल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क कितने, 70 नंबर। फिर आता है यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो इसमें देखिए लिखा ऑल जो क्वेश्चंस होंगे ये कंपलसरी, मतलब सभी ये क्वेश्चन जो हैं ये सभी करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में लिखा दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, में पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पार्ट ए में यहाँ पर 20 मल्टीपल यहाँ पर चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपको एक एक मार्क के होंगे। और जो यहाँ पर पार्ट बी होगा इसमें आपको जो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। अब यहाँ पर पार्ट ए से शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए पहले से और तीन तक तीन जो क्वेश्चन होंगे ये आपको यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ होगा। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है कि ये जो पैसेज है इसको पढ़ करके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीन क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन, आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसी पर इसको भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, तो आप लोग वीडियो वो देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑफ ऑल द यहाँ पर मुगल यहाँ पर इम्परर हु इज़ द मोस्ट सेकुलर, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें चार ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, उसके बाद में यहाँ पर शाहजहाँ और जहांगीर। तो इसमें ढूंढना है कि ये जो यहाँ पर लिखा ऑफ ऑल द मुगल इम्परर हु इज़ द मोस्ट सेकुलर कौन था। तो यहाँ पर देखिए जब इसको पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। लिखा देखिए ऑफ ऑल द मुगल इम्परर अकबर इज़ द मोस्ट सेकुलर, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या है, दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाई किसके द्वारा, औरंगजेब की, अकबर की, यहाँ पर जहांगीर की, शाहजहां। तो इसमें जब इसी को पढ़ोगे देखिए इसमें लिखा है इसी पैराग्राफ में तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही इसमें अकबर भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा अकबर भी बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर पूछा गया हु मैनी ज्वेल्स वेयर इन यहाँ पर अकबर्स कोर्ट, तो यहाँ पर 5 ज्वेल्स होगा कि 6 ज्वेल्स कि यहाँ पर 9 ज्वेल्स कि यहाँ पर 10 ज्वेल्स। जब इसी को पढ़ोगे पैराग्राफ में इसमें लिखा देखिए पंडित नेहरू वाज स्वरेड लेविस यहाँ पर प्रेज ऑन अकबर, उसके बाद में लिखा हिज 9 ज्वेल्स, देखिए जो यहाँ पर हिज 9 ज्वेल्स, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 ज्वेल्स कौन सा है, सी वाला है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर 360 लगा लेना। अगला यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर 4 से 8 तक जो क्वेश्चन है ये ग्रामर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला लिखा आई हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, गिव यहाँ पर भरा जाएगा कि गिवेन की गैव की गिविंग। तो इसमें क्या है, जब हिम लगा है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए गयो भरेंगे, क्या आई गयो, उसके बाद में यहाँ पर हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, अगला देखिए पूछा गया यहाँ पर देखिए 5वां इफ यू वर्क हार्ड उसके बाद में यू पास, इसमें आपको फिल करना है वुड होगा कि कुड होगा कि हम विल माइट, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें जब लिखा है क्या लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड उसके बाद में यू है, यू के बाद में यहाँ पर वुड पास हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड यहाँ पर क्लस्टर्स उसके बाद में टू मेक मीनिंग सेंटेंस, इसमें द रोड ऑफ अबे वी रूल्स द मोस्ट, ये सभी ये देखिए जो क्वेश्चन होते हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं, ये पंक्चुएशन से पूछे जाते हैं, मतलब इसको सही से आपको लिखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, वी मस्ट ऑबे द रूल्स ऑफ द रोड हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, ग्लोरी का एडजेक्टिव का क्या होगा, तो यहाँ पर ग्लोरियस हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है।
अगला पूछा गया वीडियो को अच्छे से वॉच करना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, इसमें मतलब गलत कौन है, हॉनेस्ट भी सही, हंगरी भी सही, कंट्री भी सही, लेकिन जो असिस्टेंट लिखा ये गलत है, इसमें ई की जगह क्या लगता है यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही है, मिसपेल्ड यही है। तो ये 8 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में पूछा गया है जो यहाँ पर लिखा क्वेश्चंस नंबर जो 9 से 10, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए एक ये पैराग्राफ है जो आपके यहाँ पर प्रोज से पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, प्रोज से पूछा जाता है, एक पैराग्राफ होगा इसी को पढ़ करके 2 आंसर देने। तो इसमें पहला है लिंचो वाज ए, तो यहाँ पर लैंड लॉर्ड था कि यहाँ पर फार्मर था कि वर्कर था कि लेबर था, तो लिंचो कौन था आपको भी पता होगा, ये फार्मर था। उसके बाद में ही यहाँ पर हाउस लिखा, हाउस नहीं होगा, ठीक है, वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, कौन सा होगा, ऑफ ए हिल होगा कि नियर द वैली होगा, ऑफ ए लो हिल होगा कि ऑफ ए नियर बाई विलेज, तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, बी वाला, ऑफ ए लो हिल। इसमें देखिए लिखा है ऑनली यहाँ पर वन इन द इंटायर वैली सेट क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला, यहाँ पर देखिए अब जो यहाँ पर देखिए 13 और 11, मतलब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन होंगे 11 से और 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी यहाँ पर देखिए ये प्रोज से पूछे जाएंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे ये प्रोज से पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर हाउ मच, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर इसके दे पाओगे। इसमें लिखा हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, तो यहाँ पर फार हो जाएगा, इसमें 100 पीसोज हो जाएगा, कितने 100 पीसोज हो जाएगा। अगला व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द यहाँ पर एसे राइटन बाय एन ए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर जो टॉपिक था एसे, जो यहाँ पर एसे का जो टॉपिक था एन ए द्वारा लिखा गया था वो कौन था, तो यहाँ पर ए चैटर बॉक्स था, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया व्हाट डिड वल्ली विश, जो इसकी जो वल्ली की इच्छा क्या थी, तो यहाँ पर बस राइड ठीक, यहाँ पर ट्रक राइड की, यहाँ पर कार राइड की, यहाँ पर साइकिल राइड, तो यहाँ पर वल्ली की इच्छा क्या थी, तो यहाँ पर बस राइड थी, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 14 से 15, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, रीड द गिवन स्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखिए एक ये पोएट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को आपको एक यहाँ पर ये पोएम होगी और इसी को पढ़ करके 2 आंसर देना है। इसमें लिखा हु कंपोज द एबो लाइन, मतलब ये जो यहाँ पर लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डस्ट ऑफ स्नो पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया द पोएट वाज इन ए, यहाँ पर प्लीजेंट मूड था कि प्लेफुल मूड था कि रफ मूड था कि यहाँ पर सैड मूड था, तब देखिए जब इसमें दूसरे पैराग्राम में जो दूसरे पोएम में क्या बताया गया था, जब कभी गुजरा उसके यहाँ पर पेड़ के धतूरे के पेड़ के नीचे, तब उसके बाद में जो कवि के ऊपर छोटे छोटे बर्फ के कण गिर गए थे, तो इससे क्या है वो उसका जो कवि का मूड था वो प्ले यहाँ पर प्लेफुल हो गया था, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 16 से 20 तक ये क्वेश्चन होंगे, ये सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे। इसमें लिखा हु वाज द ट्रिकी, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे ये सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे, ठीक है। हु वाज यहाँ पर ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिकी था ये कौन था, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रिकी था ये देखिए कौन था, ए डॉग था, क्या था, ए डॉग था, मतलब एक कुत्ता था। उसके बाद में हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब जो स्टोरी कहानी में नरेटर कौन था, तो हरी सिंह था, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला ग्रिफिन वाज ऑफ 10, एक्टर था कि शॉपकीपर था कि साइंटिस्ट था कि लैंडलॉर्ड था, तो देखिए जो ग्रिफिन था ये कौन था, तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट था। उसके बाद में अगला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, तो यहाँ पर सुलेखा था, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है मटिल्डाज हस्बैंड वाज, जो मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे, तो यहाँ पर ए बिजनेसमैन की, ए पेट्टी क्लर्क, तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा, ए पेट्टी क्लर्क हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में पार्ट बी होगा जो आपको कॉपी में लिखना होगा, ये तो ओ एम आर शीट पर लिखा जाता है, ठीक है।
उसके बाद में ये जो रीडिंग क्वेश्चन होगा, 21वां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से एक पैराग्राफ होगा, उसके बाद में ये पैराग्राफ होगा और इसी में से यहाँ पर देखिए इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए और बी और यहाँ पर सी और डी, तीन मतलब चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नंबर के अनसीन पैसेज होता है जिसको हम हिंदी में अपठित गद्यांश भी बोलते हैं, ये पूछा जाता है, ये आपको लिखना होगा। इसी में से पढ़ करके क्वेश्चन आपको बना बना के लिखने होते हैं, मैंने वीडियो इस पर बना दिया है। उसके बाद में राइटिंग पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपका ये पूछा जाता है, एक यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन आता है, चाहे अप्लीकेशन लिखो या फिर लेटर लिखो, आर करके दो आएंगे, 22वां जो क्वेश्चन होगा, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद में 23वां जो होगा, इसमें आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट राइटिंग, आर करके दो आते हैं, इनमें से एक ही आपको करना होता है, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। अगला 24वां होगा, ये सारे क्वेश्चन जो ए बी और सी, और यहाँ पर देखिए जो ये ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, और ये यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक पंचुएशन क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो डी वाला होगा ये 4 नंबर का होगा, इसमें क्या एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होगा, ये पैरा यहाँ पर ये पैराग्राफ होगा, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो 25वां क्वेश्चन होगा, ये लिटरेचर से पूछा जाएगा, इसमें क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में आंसर देना है, 6 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से ए बी अथवा के दो आएंगे, मतलब एक में दो आएंगे एक ही करने, बी में भी दो आएंगे एक ही करने, ठीक है। तो दो कुल मिलाकर दो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर 26वां वाला भी पूछा जाएगा, इसमें क्या लिखा, यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आंसर देना है, 4 नंबर का ये पूछा जाएगा, और इसमें दो होंगे, इनमें से एक ही करना है, ठीक है। उसके बाद में 27वां पूछा जाएगा, ये पोएम एक पूछी जाती है जो आपको यहाँ पर लिखना होगा, 3 नंबर की होगी। उसके बाद में सेंट्रल आइडिया 3 नंबर की पूछी जाती है, 3 यहाँ पर पूछी जाएंगे, इनमें से एक ही पर सेंट्रल आइडिया लिखी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर 29वां क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का होगा, इसमें भी एक ही क्वेश्चन करने, ये भी दो आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 30वां भी होगा, दो आएंगे, इनमें से एक ही करना, और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, ये प्री बोर्ड का वायरल पेपर था, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसको पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।